गाइज मुझसे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्ले स्टोर में ऐसा कौन सा ऐप है जिसके मदद से हम लोग गिटार या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इजीली परफेक्टली ट्यून कर पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग एक ऐसे ऐप के बारे में जानेंगे जो कि एवरग्रीन ऐप है गाइज, जिसके मदद से हम लोग गिटार या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आराम से ट्यून कर पाएंगे गाइज, और साथ ही साथ उसमें एक इनबिल्ट मेट्रोनोम भी होगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं गाइज और देखते हैं हम लोग किस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं और ये ऐप कैसे काम करता है। लेट्स बिगिन गाइज। अभी हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अभी सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे ट्यूनर लिखेंगे गाइस तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूनर्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन ट्यूनर्स में से हमें एक ट्यूनर चूज करना है, वो है ट्यूनर एंड मेट्रोनोम। ठीक है गाइस, मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे इस ऐप का रेटिंग और जो इंटरफेस है इस ऐप का वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग इस ऐप को ओपन कर लेते हैं गाइस। एक्चुअली इस ऐप का नाम है गाइस साउंड कॉर्सेट। अगर आप लोग साउंड कॉर्सेट टाइप करोगे तो भी आपको यही ऐप मिलेगा। ठीक है गाइस, अभी हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले गाइस ट्यूनर देखने को मिल रहा है जो कि 440 हर्ट्ज में गाइस ट्यून कर रहा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, लेकिन आप इसे बाय डिफॉल्ट 440 हर्ट्ज में ही रहने दें। ओके कर देते हैं अभी। अभी ये हो गया गाइस ट्यूनर का इंटरफेस। अभी हम लोग देखते हैं मेट्रोनोम को। सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे जाना है, फिर हमें इस प्ले बटन को प्रेस करना है। तो आप देखिए गाइस ट्यूनर यहाँ पे ओपन होके आ गया गाइस हम लोग के पास। आप लोग यहाँ से बीट्स को चेंज कर सकते हो, 4, 5, 6 आपको जितना बीट चाहिए। ठीक है, यहां से आप टेम्पो को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और यहां से कम कर सकते हो आप, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद आप यहां से रिकॉर्ड कर सकते हो गाइस। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है ऊपर पे। फिर यहां से आप फ्लैशलाइट को भी ओपन कर सकते हो। ये जिस तरीके से बीट करेगा उस तरीके से ये फ्लैशलाइट भी बीट करेगा। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद यहाँ पे गाइस पावर सेविंग का मोड है, फुल स्क्रीन का मोड है, और यहाँ पे गाइस जो वाइब्रेटिंग का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये बीट के अनुसार गाइस वाइब्रेट करेगा सेलफोन आपका। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बीट रखोगे 4x4 बीट का, जितना टेम्पो रखेंगे उस हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है गाइस, ये हो गया नॉर्मल इंटरफेस इस ऐप का। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया ऐप है गाइस। मैं पर्सनली इस ऐप को बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आज तक मुझे कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं मिली गाइस इस ऐप के रिगार्डिंग। आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो गाइस, साउंड कॉर्सेट लिखने से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और वहाँ से आप इस ऐप का रेटिंग वगैरह भी सब कुछ चेक कर सकते हो। काफ़ी छोटा ऐप है गाइस, आप लोग के मोबाइल में आराम से ये ऐप आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस ये था साउंड कॉर्सेट ऐप। अभी आप लोग किस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए।